Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter of geography, class 9th, lesson 5. और लेसन का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी. कल हमने इसकी वनस्पति को कंप्लीट कर लिया था. आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में वन्य जीवन. वन्य जीवन का मतलब वनों में रहने वाले जीव जंतुओं से है. जिस तरह से हम अपने अपने घरों में रहते हैं, इसी तरह से जंगली जीव जंतुओं के लिए वन जो है उनका निवास स्थल है, आश्रय है, उनका सहारा है. तो हमारे भारत में हमने पहले ही बताया कि विभिन्न प्रकार की वनस्पति, विभिन्न प्रकार के वन्य जीव जंतु और विभिन्न प्रकार के पादप विद्यमान है. कल हमने वनस्पति को कंप्लीट कर लिया, आज हम वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे. देखिए, भारत में लगभग 90,000 जो प्रजातियां हैं वो जीवों की हैं और इनमें अलग अलग कैटेगरी हैं. 90,000 जीवों की प्रजातियां हैं, ध्यान देना. उसमें से 2,000 से ज्यादा पक्षियों की, सभी को हमने अलग अलग कर दिया. कहीं पशुओं को, कहीं पक्षियों को, कहीं स्तनधारियों को, कहीं सरीसृप को और कहीं अभयचर को. तो देखिए, 2,000 से ज्यादा पक्षियों की, पक्षियों में देखिए आप, कहीं सफेद कबूतर होता है, कहीं हरा तोता होता है, कहीं सफेद तोता होता है, मतलब अलग अलग कैटेगरी है. जो चिड़िया है इनकी भी आपको कई प्रजातियां मिलेंगी. कौवे हैं वो भी आपको कई जातियों के मिलेंगे, कई किस्मों के मिलेंगे. इसी तरह से जितने भी पक्षी हैं उनकी कई कई प्रजातियां होंगी. अगर आप कभी चिड़ियाघर में गए होंगे तो उनकी कुछ कुछ किस्मों का हमने वहां पर देखा होगा. इसीलिए बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं ताकि उन्हें अपने देश के जितने भी जीव जंतु हैं उनको देखकर उनकी जो प्राकृतिक एक हमें देन मिली है भगवान की तरफ से, उसका हम एक अपने दिमाग में बिठा सके कि यहाँ प्रकृति में हम लोगों के सिवा, पौधों के सिवा, ये वन्य जीवन भी विद्यमान है. तो 2000 से ज्यादा पक्षियों की यहाँ पर प्रजातियां हैं और कुल विश्व का 13% जो हिस्सा है इन पक्षियों का वो भारत में है, ठीक है. उसके बाद 2546 से ज्यादा मछलियों की, देखिए मछलियों में भी बहुत होती हैं. शार्क है, व्हेल है, ब्लू व्हेल है, आपको अलग अलग तरह की मछलियां मिलेंगी. हमारे यहाँ पर कृषि ज्यादा अपनाई गई है, लेकिन जो दक्षिण एरिया है, जो समुद्र तट के या जहाँ पर नदियां ज्यादा है वहां पर मछलियों की विभिन्न प्रजातियां मिलेंगी. बल्कि वहां के लोगों का व्यवसाय ही मछलियां हैं, साउथ की तरफ जाएंगे तो. और विश्व का 12% भाग जो है वो मछलियों की प्रजातियों से संबंधित है. उसके बाद उभयचर, उभयचर का मतलब है ऐसे जीव जंतु जो जल में भी रहते हो और जो पृथ्वी पर भी रहते हो. ऐसे भी हैं, स्तनधारी भी हैं और सरीसृप भी है. सरीसृप का मतलब सांप की तरह, जैसे ये होते केंचुए हो गए, आप ये जिसको आप बोलते हो कान की जुड़ा, इस तरह के रेंगने वाले ऐसी कई किस्में हैं. और इसी तरह से स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब है जो अपने जीवों को प्रजनन क्रिया करते हैं और दूध पिलाते हैं. जैसे कि इसमें शेर हो गया, हाथी हो गया, ये स्तनधारी भी होते हैं जिनमें मादा जो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है वो स्तनधारी, जिनके स्तन होते हैं. तो इसमें हाथी है, ये स्तनधारी जीव है. ये असम, कर्नाटक और केरल में पाया जाता है, ठीक है. अगर क्वेश्चन में 1 मार्क्स में आ जाए कि हाथी कहाँ कहाँ पर ज्यादा मात्रा में होते हैं तो असम में, कर्नाटक में, केरल में, क्योंकि यहाँ पर घने वन है और घने वनों में हाथी, ये गैंडा, बाघ, हिरण, इस तरह के जीव बहुत मिलते हैं. एक सींग वाला गैंडा है असम और पश्चिमी बंगाल में. कई बार एक 1 मार्क्स में पूछा जाता है एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है, तो आपको बताना है असम के क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल में जो दलदली है, जहां पर जमीन होती है वहां पर एक सींग वाले गैंडे ज्यादा मिलते हैं. उसके बाद जंगली घने तथा ऊंट, थार मरुस्थल,
जो राजस्थान का एरिया है वहां पर कक्ष के रन में, ठीक है, दो जगह पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वन मार्क्स में, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में यहाँ लिखा है, डिटेल में ही समझा रही हूँ आप लोगों को। ये अपनी रफ कॉपी में नोट करना है और इसको लिखना है, रफ कॉपी में नहीं सॉरी फिर में ही लिख लेना, ठीक है, आपको ये नोट करने हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से पशु और कौन से पक्षी मिलते हैं। जंगली गधा तथा ऊंट थार के मरुस्थल में और कक्ष के रण में पाए जाते हैं। इसी तरह से नीलगाय जिसको कई रोज भी बोलते हैं, भैंसा है, चौसिंगा, हिरण, मृग आदि, ये जीव भी वनों में भारत के पाए जाते हैं। शेर जो है गुजरात के गिर वन में मिलता है, और एक शेर और बाघ दोनों चीजें भारत में ही पाई जाती हैं। बाघ भी शेर भी नहीं, किसी जगह पर शेर मिलेंगे तो बाघ नहीं मिलेंगे, लेकिन भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बाघ भी मिलता है और शेर भी। बाघ मिलता है मध्य प्रदेश में, झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल में और डेल्टाओं में, सुंदरबन जो डेल्टा है वहां और हिमालय क्षेत्र में। उसके बाद जो शेर है ये गुजरात के गिर वन में शेरों के लिए ये फेमस है, ठीक है। इस तरह से आपको आज जो वन्य जीवन है इस वाला टॉपिक एनसीईआरटी की बुक से अच्छी तरह रीड करना है, फिर आपकी जो भी बुक है वहां से इसको और अच्छे से पढ़ना है, और जो मैंने समझाया इसको ध्यान से बार बार सुनिए, याद करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।